भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजत्राः तिरैरङ्गैतुष्टुवाग्ं सतनोर्ग्रीवशेमहि देवहितं जदायुः। नमस्कार, आज हम यहाँ पे नामकरण संस्कार को संपन्न कर रहे हैं। ये नामकरण संस्कार की क्या आवश्यकता है, इससे हमको क्या लाभ होता है? सनातन परंपरा में संस्कारों की ये सुदीर्घ परंपरा है। संस्कार से तात्पर्य ये होता है कि जो जीव है अनंत योनियों से 84 लाख योनियां हमारे यहाँ बताई गई है, 84 लाख योनियों का भ्रमण करते हुए और मनुष्य योनि के अंदर प्रवेश करता है। और जब वो मनुष्य योनि में प्रवेश करता है, जब वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तो उसके भीतर पाश्विक संस्कार भी होते हैं, पशु योनि के संस्कार भी होते हैं। और वो जो पशु योनि के संस्कार है, उन संस्कारों को, जो कुछ संस्कार हैं, पाश्विक वृत्तियां हैं, जो उनको दूर करने के लिए संस्कार की जो सुदीर्घ परंपरा हमारे ऋषियों ने बनाई है। संस्कार कर्म में नामकरण संस्कार बहुत ही लोक प्रचलित है, नामकरण सभी लोग कराते हैं। और उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जब नामकरण संस्कार कराया जाता है, तो वो हम स्टेप पूरे करेंगे, वन बाय वन स्टेप नामकरण संस्कार के क्या होने चाहिए वो हम बताएंगे। और नाम रखने का भी कुछ नियम होते हैं। नाम रखने के पीछे अगर फीमेल है तो उसके जो अक्षर है वो सम होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए, इवन संख्या होनी चाहिए। और अगर मेल है, लड़का है, तो उसके जो है ऑड, विषम संख्या में होने चाहिए। अब जैसे ये बालिका है तो इसका जो नक्षत्र है मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र में इसका जो नाम का अक्षर है वो मी से आता है, तो हमने 4 अक्षर इसके लिए चुने। तो हमने इसके लिए जो नाम चयन किया राशि के हिसाब से, वो हमने मिताक्षरी नाम रखा। ये 4 अक्षर हो गए, तो ये जो है फीमेल के लिए अच्छा माना जाता है और नक्षत्र के अनुरूप है, राशि के अनुरूप है। इसके अलावा आप प्रसिद्ध नाम कोई भी रख सकते हैं, पर प्रसिद्ध नाम रखने में भी आपको इन्हीं नियमों का ध्यान रखना है। प्रसिद्ध नाम जो भी आप रखें वो सिंह राशि से मैच करता हुआ होना चाहिए, यानी सिंह राशि की मित्र राशि का होना चाहिए। सिंह राशि की जो मित्र राशि है वो मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, ये इनकी मित्र राशियां हैं, कर्क राशि है। तो इन राशियों के जो अक्षर आते हैं उनसे आप नाम रख सकते हैं। अगर आप मानो इसका नाम सौ से रखते हैं तो कुंभ राशि आ रही, रौ से रखते हैं तुला राशि आती, जो कि सिंह राशि के शत्रु राशियों में आ जाती हैं, तो वो इस तरह के नाम नहीं रखे जाने चाहिए। तो नाम जो रखेंगे, एक नाम नक्षत्र के आधार पर रखा गया है और बाकी जो दूसरा नाम होगा वो माँ बाप जो है प्रसिद्ध नाम रख सकते हैं, ये विधान है। 4 नाम तक आप रख सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो है मेखला बंधन। तो मेखला बंधन की क्या जरूरत है, बच्चे को मेखला क्यों पहनाई जाती है, बल्कि गाँव में करगनी चांदी की पूरी बेल्ट जैसी पहनाई जाती है। तो आप इसको हाथ में लीजिए, अक्षत पुष्प हाथ में लीजिए और एक सूत्र आप दोहराएंगे, आप बोलिए ओम ओम स्फूर्तम तत्परम करिष्यामि, शिशु में स्फूर्ति स्फूर्ति और तत्परता तत्परता बढ़ाएंगे। तो ये जो मेखला जो हम बांधी जाती है, मेखला का मतलब होता है बेल्ट, जैसे फौज में लोग बेल्ट पहनते हैं या पुलिस में लोग बेल्ट पहनते हैं, तो बेल्ट का मतलब होता है कमर कस लेना, यानी बिल्कुल सतर्क रहना और तत्पर रहना, आलस्य ना रहे शरीर में, इसीलिए बेल्ट पहनाई जाती है। तो ये मेखला इसलिए पहनाई जाती है इस बच्चे को कि माँ बाप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो आलसी ना बने, ठीक है। उसको ये नहीं कि सुबह आप उठ रहा है 9 बजे तो कोई बोलना ही नहीं बच्चे को, उसको नियम में ढालना होगा और उसको बिल्कुल ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे उसके शरीर में किसी तरह का आलस और प्रमाद ना रहे। तो इसको आप यहाँ पे मेरे को दे दीजिए, ये आपने संकल्प किया है, अब आप इसको एक मेखला पहना दीजिए कमर में ऐसे करके। ओम गणानंतः गणपति गंगवामहे, प्रियानंतः प्रियपति गंगवामहे, निधिनंतः निधिपति गंगवामहे, वसु मम अहम जामि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधमा। बस ऐसे छोड़ दीजिए, बाकी वो बांध दीजिए और दूसरा सूत्र के लिए आप तैयार हो जाइए। आपने दूसरा सूत्र ये दोहराना है, आप बोलेंगे ओम ओम शिष्टताम शालीनताम वर्धयिष्यामि, शिशु में शिष्टता और शालीनता की वृद्धि करेंगे। तो आप इसको छोड़ देंगे, अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए और इसमें मधुप्राशन किया जाता है। पहले समय में क्या होता था, जब नाल छेदन करते थे बच्चे को, जब नाल से अलग करते थे तो स्वर्ण शलाका से मधु चटाया जाता था। उसके पीछे उद्देश्य यह था कि ये जो मधु है और ये स्वर्ण का जो मिश्रण है
इससे शरीर के रोग कट जाते हैं और वाणी की मधुरता बढ़ जाती है, इसीलिए ये जो है मधु प्राशन कराया जाता है। तो आप इसको जरा जीभ पे लगा दीजिए, बच्चे के टच करा दीजिए। ओम मधुवातहरितायते मदक्षरंज सिंधवः मादिरिनः सन्तु कदिः मदनक्तमुतो कसो मधुमद पार्थिव गुंग्रजः मदिदोरस्थलः पिता मधुमानो वनस्पतिर् मधुमत् सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः। तो इसलिए जो है मधु प्राशन किया गया ताकि शरीर का रोग कटे और साथ ही जो है आरोग्य की प्राप्ति हो। इसके बाद सूर्य दर्शन, सूर्य दर्शन के लिए आप फिर अक्षत पुष्प हाथ में ले लीजिए और आप बोलेंगे ओम ओम तेजस्विताम वर्धयिष्यामि शिशु की तेजस्विता में वृद्धि करेंगे। तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो जो तेजस्वी जो है कौन है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में अखिल ब्रह्मांड में जो तेज का जो प्रतीक है वो सूर्य को माना गया है। सूर्य तेज भी देता है, बल भी देता है, आयु भी देता है, ऊर्जा भी देता है। तो ये जो सूर्य की जो आराधना है सनातन धर्म में जुड़ी गई है, सूर्य दर्शन, सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री का जाप करना, ये सब सूर्य उपासना के अंग हैं। तो बच्चे को सूर्य दर्शन कराया जाता है, इसको निष्क्रमण संस्कार भी बोला जाता है। तब पहले गौशाला में जब सूतिका को घर लाते थे तो सबसे पहले सूर्य के दर्शन करके भगवान सूर्य को नमस्कार करके आते थे। तो ये निष्क्रमण संस्कार आजकल हम लोग हॉस्पिटल से लाते हैं, है ना। तो सूर्य का दर्शन पहली बार हो रहा है, तो इस बच्चे के तो सूर्य की तरफ दिखा दीजिए, थोड़ा सूर्य की तरफ मुंह करिए ऐसे करके, सूर्य जैसे हाथ जोड़ करके सूर्य का ध्यान कर लीजिएगा। ओम मा कृष्ण नृषा वर्तमान उन्नीशयन मृतम मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्नः। ये सूर्य भगवान आप मेरे बालिका को भी तेजस्वी बनाइए, उसके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, है ना, तेज बल और आयु की रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना की जाती सूर्य भगवान से और सूर्य का दर्शन कराया जाता है बच्चे को। सामने सूर्य आ रहे हैं तो सूर्य नारायण का दर्शन करा दिया जाता है। फिर आप अक्षत पुष्प लेंगे हाथ में, आप बोलिए ओम ओम सहिष्णुम कर्तव्यनिष्ठम विधास्यामि शिशु को सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे। उसके बाद इसको नीचे छोड़ देंगे, जमीन में छोड़ेंगे। और आप ये बताइए कि सबसे अधिक सहनशील कौन है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा सहन शक्ति किसके अंदर है, किसके अंदर है बताइए। सहन शक्ति तो कन्या के अंदर, सबसे ज्यादा सहन शक्ति पृथ्वी के अंदर, माँ पृथ्वी सबसे ज्यादा सहनशील होती है। आप बच्चे के हाथ से जरा जमीन को माँ पृथ्वी को नमस्कार करा दीजिए, ऐसे करके हाथ लगा दीजिए दोनों हाथ। ओम शिवनाय पृथ्वी नो भान क्षरा निवेशन ये छह सर्व सफरता, बच्चे का हाथ लगा दीजिए कि बालिका जो है ये माँ पृथ्वी को नमन कर रही, माँ पृथ्वी को नमस्कार कर रही है। तो इसको हाथ लगा दीजिए, बस ये नीचे लगा दीजिए, बस 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 अब ऊपर करिए। अब आप लोग जो है मैं इसमें नाम की घोषणा कर रहा हूँ और आप लोगों ने अभय मुद्रा कहते हैं इस प्रकार की, ये आशीर्वाद मुद्रा कहलाती है, ये अभय मुद्रा, इस तरह की मुद्रा दिखानी बच्चे की तरफ, तो इससे बच्चे की तरफ शुभ ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। अब आप जो है मैं बच्चे का नाम लूंगा, आपने बोलना है चिरंजीवी हो, ठीक है। तो मिताक्षरी नामनी बालिका चिरंजीवी हो, तीन बार बोलिए चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, मिताक्षरी नामनी बालिका, बोलो धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, मिताक्षरी नामनी बालिका, बोलिए प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। इस प्रकार से बाल प्रबोधन नाम घोषणा के साथ किया जाता है। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, उनके गोदी में बच्चे को दे दीजिए, सबसे बुजुर्ग है सीनियर मोस्ट इस समय कौन है, हाँ, तो दादी की गोद में दे दीजिए। बाल प्रबोधन, बाल प्रबोधन से मतलब होता है कि बच्चे को शिक्षण देना, बच्चे को ज्ञान देना। तो ये बाल प्रबोधन के लिए क्या करते हैं कि जो बुजुर्ग होता है परिवार का उसकी गोदी में बच्चे को दिया जाता है और फिर बच्चे के कान में बोला जाता है, कान में बोलेंगे बच्चे के, बोलिए भूतात त्वम ईश्वरांशो असि, हे तात तुम ईश्वर के अंश हो। फिर बोलेंगे मनुष्यता तव महती विशिष्टता, तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता मनुष्यता है, ऋषि अनुशासनम पालये, जीवन भर ऋषि अनुशासन का पालन करना। अब फिर बच्चे को आपने बाल प्रबोधन कर लिया, अब आप सब लोग फूल ले लीजिए हाथ में आशीर्वाद के लिए, सब लोगों के हाथ में फूल बांट दीजिए, है ना, बच्चे को गोद में दे दीजिए।
माता के गोद में दे दीजिए बच्चे को। हाँ ये पकड़िए, सब लोग जो है खड़े होकर के आशीर्वाद देंगे, खड़े होकर के ये गोदी में दीजिए और सब लोगों ने आशीर्वाद देना है बच्चे को, ठीक है। ओम तत्सदेवतम प्रसाद शुक्रम शरदा पशेम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शुणुयाम शरदा शतम प्रवाम शरदा शतम शत मदीना श्याम शरदा शतात। सब लोग जो है बच्चे को आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद से बच्चे की आयु बल और तेज की वृद्धि होती है, तो सब लोग बच्चे को आशीर्वाद देंगे और इस प्रकार से नामकरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाती है। इसके बाद जो है होम किया जाता है, तो होम करने से घर की शुद्धि और वातावरण की शुद्धि होती है और संस्कार प्रक्रिया जो है आगे जो इसके बाद अगला जो संस्कार आता है नामकरण संस्कार के बाद, उसमें जो है आपका अन्न प्राशन संस्कार आता है और संस्कारों की परंपरा इसी प्रकार हमारे सनातन धर्म में बराबर चलती रहती है और इससे बच्चा दीर्घायु तेज बल बुद्धि संपन्न होता है। धन्यवाद।